And welcome to the Android mobile application course. This is Fahad Hussain, and welcome to the new layout session named by table. तो प्रीवियसली सेशन तक हमने देखा कि लेआउट यानी व्यू या व्यू ग्रुप्स क्या चीज़ हैं और लेआउट की क्या स्ट्रेंथ है, किस तरह से उसमें वर्किंग की जाती है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर. तो तीसरा सेशन है टेबल लेआउट. इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे. तो हाईली रिकमेंडेशन ये है कि इससे रिलेटेड जो प्रीवियसली दो वीडियो हैं और साथ ही साथ जो स्टार्टिंग से वीडियो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने के लिए. लिहाजा सेशन की चीज़ों को फर्दर आगे बताने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं. आप डायरेक्टली यूट्यूब पर आने के बाद मुझे फहद हुसैन सीएस से सर्च कर सकते हो. फहद हुसैन सीएस से सर्च करने के बाद ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे तो यहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट पर तुम्हें एंड्रॉइड स्टूडियो का कोर्स मिल जाएगा जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, और आप ईज़ के साथ ये चीज़ यहाँ पर वॉच कर सकते हैं. इसके अलावा जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड या फिर कोर्स सेशन होता है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है. आप डायरेक्टली गूगल पे जाकर फहद हुसैन सीएस लिखकर भी मेरे ब्लॉग पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, फहद हुसैन सीएस blogspot.com. और यहाँ पर जाने के बाद आपको नेविगेशन बार पे ही मिल जाएगा एंड्रॉइड ज़ीरो टू हीरो, जिस पर आप क्लिक करके तमाम कंटेंट वाली चीज़ें यहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से तुम्हें बरवक्त जानकारी मिलती रहे. बैक टू वर्क. और अब हम समझते हैं कि टेबल लेआउट क्या है. एज अ नेम सजेस्ट कि इस लेआउट के अंदर जो हमारे व्यूज़ हैं, ठीक है, वो एक टेबल के फॉर्म पर आना चाहते हैं. यानी हमारे व्यूज़ के अंदर जो एडजस्टमेंट है व्यूज़ की, हम इस तरह से करना चाहते हैं जिस तरह से टेबल होती है. और टेबल हम जानते हैं कि रॉज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, और यही चीज़ स्लाइड पर बताई जा रही है कि एंड्रॉइड ले टेबल लेआउट गोइंग टू बी अरेंज ग्रुप्स ऑफ व्यूज़ इन टू रॉज एंड कॉलम. यू विल यूज़ द टेबल रॉ एलिमेंट टू बिल्ड अ रॉ इन अ टेबल. यानी हम टेबल लेआउट के अंदर टेबल रॉ को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम एक रॉ को क्रिएट कर सकें अपने टेबल को. ईच रॉ हैज़ ज़ीरो और मोर सेल. यानी आप एक रॉ में या तो कोई भी सेल ना बनाएं या फिर आप एक कम से कम सेल बना सकते हैं. ईच सेल कैन होल्ड वन व्यू ऑब्जेक्ट. और जो एक सेल होगा यानी एक जो बॉक्स होगा हमारा, वो एक वक्त में एक ही ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकता है. टेबल लेआउट कंटेनर्स डोंट डिस्प्ले बॉर्डर लाइन्स फॉर देयर रॉज कॉलम्स और सेल. तो जिस तरह से आप नीचे इमेज पर भी देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं जो टेबल लेआउट के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस सेशन पे जानेंगे. लेकिन पहले हम कोशिश करते हैं कि जो लेआउट यहाँ पर बना हुआ है हम उसे प्रैक्टिकली किस तरह से एंड्रॉइड स्टूडियो पे बना सकते हैं वो, और उसके बाद फिर जो एडिशनल एट्रीब्यूट जो उससे अटैच्ड हैं उसे हम डिस्कस करेंगे. तो बैक टू द एंड्रॉइड स्टूडियो. ओके, तो लास्ट टाइम हमारा काम जो था वो रिलेटिव लेआउट पे था. तो यूआई यहाँ पर रेडी है. तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे अपने रिलेटिव लेआउट को चेंज करने के लिए, और हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल लेआउट, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो. उसके बाद अभी हमने देखा कि टेबल लेआउट के अंदर हम टेबल रॉस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा. इसके अंदर आप एडिशनली कोई भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्जिन लगा सकते हैं, ग्रेविटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरह से जो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो डिफरेंट लेआउट्स के साथ एक व्यूज़ में मौजूद होते हैं वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम एट लास्ट करेंगे भी. तो सबसे पहले मैं एक रॉस के अंदर कुछ भी नहीं लेता, ठीक है, पहले जैसे कि डेफिनेशन के मुताबिक थी. उसके बाद मैंने इसी टेबल रॉ को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया और इसके अंदर एक बटन ले लिया. तो हमने बटन का टैग बनाया कैपिटल बी के साथ, ठीक है, और इसको एंटर करके मैंने इसमें विड्थ और हाइट एडजस्ट करनी है. तो मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख भी सकते हो. और इसको हमने कर दिया रैप कॉन्टेंट, यानी टेक्स्ट का जो भी साइज़ होने वाला है वो इसमें अपने आप को एडजस्ट करेगा. रैप कॉन्टेंट किया और टेक्स्ट लिख देते हैं हम इस पर. तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फहद, टेक्स्ट कलर देना चाहते हो, टेक्स्ट साइज़ बताना चाहते हो, 40 पिक्सल साइज़ बताया मैंने, टेक्स्ट का कलर दे देते हैं, ठीक है. और इसी तरह से हम बैकग्राउंड भी दे देते हैं, अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड कलर देना वो भी आप दे सकते हो. तो मैंने उसे कलर प्राइमरी दे दिया, ठीक है, एज़ लाइक दिस. तो ये एक सिंपल बटन था जो कि हमारे एक रॉ में मौजूद है. इसी तरह से आईडी भी देना चाहते हैं आप आईडी भी दे सकते हो. मैंने इस बटन को कॉपी किया और टू टाइम पेस्ट कर दिया, 1 2. तो आप देखो एक ही रॉ में तीन बटन्स आ गए, ठीक है. इसी तरह से मल्टीपल्स बटन वहाँ पर आ सकते हैं जो कि आप इस यूआई पे अंदर यहाँ पर देख रहे हो. जूम आउट करता हूँ. और अब हम एक काम करते हैं कि जो रॉज हमारा एम्प्टी था ना, ये इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, ठीक है. टेक्स्ट व्यू लिया हमने, एंटरप्राइज किया, सेल्फ क्लोजिंग इसको क्लोज किया, और जो एट्रीब्यूट यहाँ थे हमने वो कॉपी कर लिया. बाद में हम हटा देंगे जिन जिन की ज़रूरत नहीं है.
तो रैप कंटेंट को रखा हमने, प्राइमरी कलर हटा दिया, सही है, टेक्स्ट वहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर लेआउट स्पैम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखाना मकसूद था हमारा कि एक रॉ में एक चीज़ भी आ सकती है जो कि यहाँ पर मौजूद है, और एक टेबल के अंदर आप देख रहे हो ये पूरी चीज़ आ चुकी है, और नीचे तीन रॉज में तीन चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह से मैं कुछ बटन और बढ़ा लेता हूँ, एक और, ठीक है, तो इसको थोड़ा ज़ूम करता हूँ मैं आउटपुट को ताकि तुम देख सको। देखो कुछ गैप्स है ना, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे रॉ को ना थोड़ा सा मूव करके दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस ले आऊँ। इसके लिए ना मैं पहले वाले पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ पैडिंग देता हूँ लेफ़्ट साइड पे, तो पैडिंग लेफ़्ट 45 पिक्सल, ठीक है, पिक्सल्स और जो डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पर आती हैं INNPT, इसके लिए मैं एट लास्ट ऑफ द वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ, एक आर्टिकल शेयर करूँगा जिससे आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, तो यही वजह है कि अभी मैं पिक्सल ही ले रहा हूँ। तो 45 यहाँ पर दिया हमने, बेहतर तरीके से उस वक्त समझ में आएगा जब मैं नीचे इस रॉ पे दूंगा जहाँ बटन्स हैं। आप देख रहे हो अभी भी वो यूनिट नहीं आ सकी, तो मैं यहाँ पर 90 देता हूँ, नॉट बैड बट 85 विल बी आई थिंक इनफ। कूल, तो हमने 85 का डिस्टेंस दे दिया, ठीक है, और टेक्स्ट में ऊपर जहाँ पर फाद लिखा था हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं टेक्स्ट CS, और साथ ही साथ अच्छा जी ये जो एरिया है वो एक ही कॉलम पर आ रहा है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, बिल्कुल सही, क्योंकि रॉज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में तो फर्स्ट रॉ के अंदर ये टैक्स है, तो हम फहद CS लिख देते हैं सिर्फ, परेशानी ना हो। और अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे रॉ को जो टेबल रॉ है ना बटन्स वाले, देखो बटन वाले को सिर्फ मैंने कॉपी किया है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मल्टीपल टाइम पेस्ट करता जा रहा हूँ, मल्टीपल टाइम टेस्ट करता जा रहा हूँ, और आप प्रीव्यू में देख रहे हो कि टेबल के फॉर्म पर रॉज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे बटन्स विद टेक्स आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जहाँ जहाँ हमें मल्टीपल व्यूज़ की ज़रूरत होगी हम अपने नीड के मुताबिक वहाँ पर व्यूज़ लिखेंगे या ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के व्यू के लिए बटन्स लगकर आपको दिखाया है कि किस तरह से रॉज एंड कॉलम का ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब मैं प्रोग्राम को रन करके आपको इमुलेटर पर भी दिखाता हूँ। नाउ हेयर इट इज़, आप देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर बिल्कुल उसी तरह से प्रीव्यू मौजूद है जो कि यहाँ पर भी था, और रॉज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मौजूद है। आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर चेंज करके भी इसमें चेंजिंग देख सकते हैं। तो होपफुली आपको बात क्लियर होगी कि एक सिंपल टेबल लेआउट कितना बनाना आसान है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जब हम फ्यूचर में काम करेंगे तो हम इसको मज़ीद इन्हेंस भी करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं लेआउट की, ताकि हमें इन फ्यूचर आइडिया हो कोई भी हम ऐप की एप्लीकेशन को देखें या फिर अपनी वर्किंग को देखें कि जो क्लाइंट चाह रहा है कि मुझे इन तरह से चीज़ें चाहिए, तो देख कर ही हमें आइडिया हो जाए कि मुझे यहाँ पर किस लेआउट को यूज़ करने की ज़रूरत है, और यही चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। आगे चलेंगे और अब इम्पॉर्टेंट इनके एट्रीब्यूट को हम जानेंगे कि इनका एट्रीब्यूट जो टेबल लेआउट के साथ अटैच्ड है वो क्या है और वो किस तरह से काम करता है। तो इस स्लाइड के अंदर टेबल लेआउट के अंदर मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि कुछ इसके अपने एट्रीब्यूट हैं, जैसे कि स्ट्रेच कॉलम्स टेबल लेआउट के अंदर इस्तेमाल होता है, जो हमारा बिल्कुल पैरेंट कंटेनर है उसके हवाले से बात हो रही है, उसमें ये एट्रीब्यूट मौजूद है स्ट्रेच कॉलम। करता क्या है, व्हेन अ कॉलम विड्थ इज लेस, जब हमारा कॉलम की जो विड्थ है वो लेस हो, एंड यू नीड टू एक्सपेंड, और हमें ज़रूरत हो कि हम उसे एक्सपेंड करें, उसे स्ट्रेच करें, खींचें, इट यू यूज़ दिस एट्रीब्यूट, आप इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके उस अपने कॉलम को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसी तरह से व्हेन यू डोंट नीड द एक्स्ट्रा स्पेस, ये क्या किसके लिए कहा जा रहा है, श्रिंक कॉलम के लिए, ये टेबल लेआउट के लिए, जब आपको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत ना हो इन अ कॉलम तो यू कैन यूज़ दिस एट्रीब्यूट टू श्रिंक एंड रिमूव द स्पेस कॉलम के अंदर। इसी तरह कोलैप्स कॉलम, इट हाइड्स अ कॉलम ऑफ द गिवन इंडेक्स इन द टेबल लेआउट। तो ये तीन एट्रीब्यूट जो हैं स्ट्रेच श्रिंक और कोलैप्स, ये तीनों टेबल लेआउट के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं, जबकि नीचे जो लेआउट स्पैम है और कॉलम लेआउट कॉलम है ये दोनों टेबल रॉ के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं जो मैं नीचे बना रहा था। इफ़ अ व्यू टेक्स ओनली वन कॉलम विड्थ बट यू वॉन्ट योर व्यू टू टेक मोर वन कॉलम स्पेस, लेकिन आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा स्पेस आए, देन यू यूज़ दिस एट्रीब्यूट, वो कॉलम को क्या कर देगा, स्पैम को मिला देगा। जबकि लेआउट कॉलम के अंदर व्हेन यू वॉन्ट योर व्यू प्रेजेंट इन द फर्स्ट टेबल रॉ टू अपेयर बिलो,
जब आप चाह रहे हैं कि फर्स्ट टेबल रॉ के ब्लो पर वो चीज़ आए एंड अदर टेबल रॉज व्यू, यू कैन यूज़ दिस एट्रीब्यूट, आप उस वक्त इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके दिखाता हूँ स्ट्रेच कॉलम और श्रिंक किस तरह से यूज़ होगी ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो सके। तो यूआई पे आने के बाद जैसे कि डेफिनेशन पे हमने देखा कि हमारा जो कंटेनर है टेबल लेआउट, इसमें ये इस्तेमाल होता है, लिहाजा ओरिएंटेशन के हम नीचे आते हैं और डायरेक्टली मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ स्ट्रेच कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर आप कॉलम की कितनी क्वांटिटी को करना चाह रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को करना चाह रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को करना चाह रहे हैं या ऑल को करना चाह रहे हैं, तो जितने कॉलम को आप स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, देखो मैंने जैसे वन को किया, वन कॉलम हमारा व्यू पे स्ट्रेच हो गया, वन के साथ टू करना चाह रहे हैं 1.2 लिखेंगे, इसी तरह तीसरे कॉलम को भी करना चाह रहे हैं 3 को भी करेंगे, तो उतने ही डायमेंशन पर वो स्ट्रेच होता जा रहा है। इसी तरह सबको आपने करना है तो आप उसकी जगह स्टैरिक लिख दोगे एज लाइक दिस, तो सारे कॉलम उसके अंदर काउंट हो जाएंगे। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। उसके बाद था हमारे पास श्रिंक कॉलम, तो इसके लिए हम यहाँ से डायरेक्टली कॉल करेंगे SHRINK श्रिंक कॉलम, और बिल्कुल वही यूनिट्स हैं। ठीक है, एक कॉलम को करना चाह रहे हो श्रिंक तो आप 1 लिखोगे, दोनों को करना चाह रहे हो दोनों को लिखोगे, वगरना आप स्टैरिक से तमाम कॉलम को भी श्रिंक यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं ऊपर से पहले स्ट्रेच कॉलम को हटा देता हूँ ताकि चेंजेस हमें दिखें, तो प्रॉपर्ली वो वापस आ गए अपनी जगह पर और अब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हो कि श्रिंक कॉलम पे सारे हो गए, मैंने फर्स्ट वाले को किया, फिर comma 2, comma 3, और इस तरह से हम जितने चाहें उनको श्रिंक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास कोलैप्स कॉलम है, उसकी भी वर्किंग वैसे ही होगी जिस तरह से मैंने इन दोनों की आपको करके दिखाई, स्ट्रेच कॉलम और श्रिंक कॉलम की। ये तीनों एट्रीब्यूट्स जो थे वो टेबल लेआउट के लिए थे, इसके अलावा जो हमारे पास टेबल रॉ के दो एट्रीब्यूट थे वो लेआउट स्पैन और लेआउट कॉलम मौजूद था। तो इसके लिए आप किसी भी बटन पर आ जाएं, जैसे मैं या फिर यहीं पर आ जाएं, ये टेबल रॉज है, इस पर आकर मैं हमने कॉल किया लेआउट, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है, यहाँ पर भी आप अगर कॉल नहीं कर सकते तो यकीनी तौर पे इसके कंट्रोलर यानी व्यूज पर तो आप ज़रूर कर पाएंगे, एंड्रॉयड लेआउट अंडरस्कोर स्पैन, ठीक है, और आप यहाँ पर उसकी यूनिट देकर बिल्कुल उसी डेफिनेशन के मुताबिक काम कर सकते हैं जिस तरह मैं ऊपर से बता रहा हूँ, और जिस तरह से हम स्पैम कर रहे हैं इसी तरह से हम कॉलम भी कर सकते हैं जो डेफिनेशन मैंने आपको स्लाइड पर दिखाई जो कि इस फॉर्म पर हो रही है। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी कि एक्चुअली जो लेआउट कॉलम्स थे वो बेसिक डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से कैसे बनता है, टेबल रॉ क्या है, टेबल लेआउट क्या है, उसमें किन किन तरह के एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं, और जब हमारा आउटपुट उस डिज़ायर्ड लोकेशन का हो जिसमें टेबल के फॉर्म पर तमाम चीज़ें आनी चाहिए तो हम किस तरह से इन एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मैंने स्टैक ओवरफ्लो का एक आर्टिकल, तो मैं नहीं कहूँगा इसे, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत अच्छी साइड है स्टैक ओवरफ्लो के अंदर, हमें बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के सवाल जवाब मिलते हैं जो मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को भी, और प्रोफेशनल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और प्रोफेशनली जो भी हैं वो उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उसमें जो एडवांस लेवल की लर्निंग रखने वाले लोग होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो डेवलपर होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो चीज़ों को आसान करके आपको जवाब दे रहे होते हैं। तो इस पेज पर आपको जितने ये जो यूनिट्स हैं साइज़ के, पिक्सल, डीपी, डीआईपी, एसपी, इन तमाम्स की डेफिनेशन और डिफरेंसेस बताई जा रही हैं, ठीक है, तो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो बड़े आसानी के साथ इनके डिफरेंसेस जान सकते हैं कि हमें कहां पर डीपी, कहां पर पिक्सल और कहां पर एसपी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ें मैं आपसे शेयर कर दूंगा fahadhussaincsblogspot.com पे, तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके पहुंच सकते हैं। अब मैं यहां से आपको दिखा देता हूं कि इस पेज पर क्या मौजूद है और आप किस तरह से रीड कर पाएंगे। तो मैंने इसी पेज को यहां पर ओपन कर लिया और आप इस पे देख रहे हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन पिक्सल, डीआईपी, डीपी एंड एसपी, और इसमें तफसीलन बताया जा रहा है, मल्टीपल लोगों ने इसके हवाले से बताया हुआ है कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन पर आती है, क्या चीज़ें यहां पर मौजूद है। मैं डायरेक्टली भी बता सकता था लेकिन मैंने यहां पर इसलिए कोशिश किया ये साइट देने की, एक तो आप इससे जुड़े भी रहें साथ ही साथ, और आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है जो आपके पर्सनल कंप्यूटर में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा हो कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसके जवाबात यकीनी तौर पे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता क्योंकि आप उसको फेस कर रहे होते हैं। तो आपको यहां से पता भी चलेगा उन चीज़ों के हवाले से, और साथ ही साथ यहां पर बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं जो बड़े आसानी के साथ डिफरेंसेस बता रहे होते हैं, तो आप बहुत बेहतर तरीके से उसे समझ सकते हैं। फिर भी अगर यहां पर कोई बात समझ में नहीं आती है या पूरे ओवरऑल सेशन पर जो जो हमने बात की है कोई भी सवाल है, डाउट है, तो क्वेश्चन पर जरूर पूछो कमेंट सेशन पर, कोशिश करूंगा मैं आपको भरवक जवाब आप दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बरवक जानकारी मिले। इस सेशन पे इतना ही, नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो फिर हम अनदर टाइप के लेआउट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो के या एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर इंतहाई अहम है। थैंक यू।